चोर मेरा बैग लेके भाग गया, प्लीज कोई पकड़ो चोर मेरा बैग। ठीक है अच्छा चल सुन, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। ये बैग छीन के भाग रहा है, इतना कट्टा कट्टा नौजवान है, कहीं नौकरी करके अच्छा खासा कमाएगा तू? भैया मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ा। अच्छा जरा मुझे भी बताना, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे पर्स चुराना पड़ा? भाई मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी इसलिए ये काम करना पड़ा। सुन एडमिट है ना, ये पकड़ पैसे और ये पर्स, मैं जिसका है उसे दे दूंगा। और सुन याद रखना, आगे से चोरी मत करना ठीक है, जमा का इलाज करवा। और ये ले मेरा कार्ड ठीक है, नौकरी की जरूरत पड़े तो मेरे पास फोन कर ले। जा भाग जा, वो मैडम आपकी होगी। अरे आपने चोर को जाने क्यों दिया, पकड़ा क्यों नहीं? अरे ये लो मैडम अपना पर्स। और वो कोई चोर वोर नहीं था, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे मजबूरी में आपका पर्स चुराना पड़ा। तो उसको मेरे ही पर्स मिला था छीनने के लिए? अरे मैडम अब मिल तो गया ना, एक बार देख लो उसने कुछ निकाला तो नहीं है। थैंक गॉड उसने कुछ नहीं निकाला, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें कुछ पैसे और जरूरी डॉक्यूमेंट थे, अगर वो चले जाते आप बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है आगे से ध्यान रखना तुम भी, हर बार गलती चोर की नहीं होती। अरे ये डॉक्यूमेंट किसके है? अरे तो इसी बंदे के है, बड़ा अजीब इंसान है। मेरा पर्स है क्या, अपने डॉक्यूमेंट छोड़ दिया। एक काम करती हूँ, कल यहीं आऊंगी वापस और उसको उसके डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी। भाई यार तू पूरा दिन फोन में बैठ के क्या करता रहता है यार? भाई देख मैं बिनोमो ऐप से पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा ये बिनोमो ऐप क्या होता है? भाई ये बिनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है जिससे आप घर बैठ के आसानी से एडिशनल अर्निंग कर सकते हो। वो कैसे? भाई देखो आप इस ऐप को यूज करके अपने डेली के खर्च आसानी से निकाल सकते हो, और इसे इंडिया में 2 मिलियन से ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं। भाई इसे यूज कैसे करते हैं? देखो अब मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, और अमाउंट पे जाके अमाउंट क्लिक किया, जैसे मैंने 350 रुपए सेलेक्ट किया। इसके बाद प्रिडिक्शन करना है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। देखिए लास्ट 20 मिनट से ग्राफ ऊपर की ओर मूव हो रहा है, तो मैंने ट्रेड अप लगा दिया, और देखो मैंने जो प्रिडिक्शन किया वो बिल्कुल सही जा रहा है। और ये लो मेरा प्रॉफिट हुआ 640 रुपए। इजिली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज करते हो तो आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए मिलता है। और इससे आप सीख सकते हो कि ग्राफ ऊपर जाएगा कैसे नीचे जाएगा, और इससे आप एजुकेशन ले सकते हो कि कैसे ट्रेड करना है, और इंडिकेटर सेलेक्ट करके आपको आसानी होगी ट्रेड करने में। और आप सब 350 रुपए से डिपॉजिट कर सकते हो, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 350 रुपए का डबल मिलेगा, 700 रुपए। अरे वाह, तो आप भी बिनोमो ऐप डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आर यू ए बिनोमो मिस्ट ज्वाइन नाउ। तो बिनोमो टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट हुआ है 13 दिसंबर से, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए BMW 3 सीरीज से। ओ हेलो मिस्टर, इधर आओ। अरे आप फिर यहाँ, आज क्या खो गया आपका जो है ढूंढने आए हो? मेरा कुछ नहीं खोया है, बट आपको देख के लग रहा है कि आप जरूर कुछ खो गया है। हाँ यार सही लग रहा है आपको, मेरे ना कल यहाँ पे डॉक्यूमेंट गिर गए, ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहे। अच्छा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो आप मेरे साथ चाय पे चलोगे? यार चाय भी पी लेना, लेकिन पहले मेरे डॉक्यूमेंट तो ढूंढवाओ। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे ही पास है। क्या? हाँ ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। अरे लेकिन ये आपको कहाँ मिले? ये कल मुझे यहीं गिरे हुए मिले थे, तो इतने पीछे मुड़ के देखा मैंने आप जा चुके थे। थैंक यू यार, लेकिन आपने तो अपना एहसान साथ के साथ ही उतार दिया। वैसे वो सब छोड़ो, अपना वादा पूरा करो। अब कौन सा वादा? वही चाय वाला। ओह सॉरी, चलो चलते हैं। अरे कहाँ है तू 2 दिन से? ना तेरा फोन मिल लो, मैंने कई बार फोन मिला लियो, ना तेरा फोन मिल लो ना तेरी पता के कहाँ है। अरे भाई साहब गुरुजी बस पूछो मत यार, कल तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? एक चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग गया, उसे पकड़ने के चक्कर में मेरे भी डॉक्यूमेंट खो गए। तू क्यों पड़े इन चक्करन में? बस क्या करूँ यार, लड़की थी मदद तो करनी पड़ती, पर यार
भाई साहब लड़की बड़ी क्यूट यार। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारे भैया चाय पे भी लेके गई, मेरा तो दिल आ गया उस पर। अच्छा हाँ, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया उस लड़की से? सही कह रहे हो भाई, प्यार तो हो गया उससे, पर क्या करूं यार, उसे ऑफर करने में डर लग रहा है यार, कहीं वो मना ना कर दे। उसने मना कर दिया तो यार बेइज्जती हो जाएगी। यार मना करने कौन सी बात है, अगर तुझ पे तो वैसे ही इतनी प्रॉपर्टी इतनी दुनियादारी है, तू बता भी देगा ना उसे कि ऐसे ऐसे बात है, तो यार वो तो वैसे ही फ्लैट हो जाएगी तेरे ऊपर। नहीं यार, मैं हम दोनों के बीच में प्रॉपर्टी नहीं लाना चाहता, वो अगर मुझसे प्यार करती होगी तो ऐसे ही यहाँ कर देगी। यार तू प्रॉपर्टी भी नहीं लानी चाहता, बताना भी नहीं चाहता, वो कितनी मलूकनी लौंडिया, और तू कहाँ यार काला कौआ, बगे माथे पे सी लिख रही है जो फिर तुझे पसंद करेगी, थोड़ा घनो बतानी पड़े अपने बारे में, और जब अपना थोड़ा इंप्रेशन जमाना पड़े, 10 रुपया का गुलाब लेके और जमा दे बात है। चलो भाई तुम कह रहे हो तो देखता हूँ, मैं जाता हूँ उसके पास, उसका फॉर्मूला पास होगा देख लेना। ठीक है चलो, ठीक है जा, आशीर्वाद जा बच्चे। हाँ बोलो, क्यों बुलाया? अरे टिया मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। ओके बाबा कर रही हूँ। आंखें खोलो। मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मतलब तुमने मेरी हेल्प क्या करी, मैंने तुमसे बात क्या कर ली, तो तुम ये सब सोचने लगे, तुम्हारी औकात क्या है? टिया मेरी बात तो सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। तुम देसे गवार ना होते ही एक जैसे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें संस्कार ही गंदे देते हैं। आया बड़ा पॉलिटिकल गवार। अरे कैसे मुंह लटकाए जा रहा, क्या हुआ, क्या बोला उस लड़की ने? भाई हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। ऐसा क्या, मना कर दी क्या उस लड़की ने? अरे क्या हुआ, मना कर दी तो इस बात का हमें कोई गम नहीं, अरे डूब का मर जाए वो लड़की जिसकी किस्मत में हम नहीं। भाई वाह वाह, बेटे बेटे मौज, चलो मौज लेंगे, रोज लेंगे, ना मिलेगी तो खोज लेंगे। बहुत बढ़िया, शेर भी मारन लगा तो सीख गत। क्या हुआ टिया, तेरी आवाज को इतनी उदास क्यों हो रही है? यार अनुज मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और 2 लाख रुपए की नीड है, प्लीज तू मेरी हेल्प कर दे। यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। यार तुझे तो पता है तेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है, और मम्मी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। यार देख मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता और अभी मैं बिजी हूँ। यार प्लीज अनुज कहीं से अरेंज करा दे, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। यार टिया बाय, मेरे पास कॉल मत करना। अनुज सुन तो, अरे क्या हुआ मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं है, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? अरे मुझे पता है ना तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए ना इलाज के लिए। तुम्हें कैसे पता? अभी जब तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे ना, मैंने वहाँ से सब सुन लिया था। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। कालू भाई, ये लो 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपकी मम्मी के इलाज के लिए और 50,000 आपके घर के खर्चे के लिए। अरे ये महीने का रेंट तूने सारा इसी को दे दिया? कोई बात नहीं भाई, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन गौरव, लेकिन कुछ नहीं, पहले माँ का इलाज कराओ, वहाँ डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं आपका, बाकी बातें बाद में। अरे टिया तुम अब कैसी तबीयत है तुम्हारी मम्मी की? थैंक यू गौरव, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और तुमने फिर भी मेरी हेल्प करी। किस मुंह से माफी मांग रही हो, उसी मुंह से जिससे मुझे देसी गवार बोला, मेरी औकात की बात की? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, अगर अच्छे संस्कार ना दिए होते तो मैं उस दिन वहाँ से चुपचाप ना आया होता। और रही बात हेल्प की, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, एक माँ की हेल्प की है। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। हम देसी हैं मैडम, हमारा दिल इतना भी कमजोर नहीं है कि एक माँ के इलाज में लगाए हुए पैसे वापस मांगे। राम राम। राम राम दोस्तों, मैं कालू यादव सोरखा,
मैं गौरव यादव पचौतिया। जैसा कि भाई बहुत दिन में वीडियो आई है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना वीडियो में अपना के वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों बहुत मजेदार वीडियो लेकर के आ रहे हैं गौरव यादव पचौतिया चैनल पर। अब की बार बहुत जल्दी 2022 की शुरुआत में भाई के नाम गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब का, और कालू भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे कालू यादव सौर का, जाके उसको भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को भी सपोर्ट करो जितना हो सके। विनोमो ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगली वीडियो का इंतजार करो, देख कैसे।